करबला सबके लिए। देखिए आदमी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जी, है ना, तो वो गरीबों से, छोटे लोगों से, है ना, फकीरों से मिलने में, उनसे बात करने में अपनी तौहीन समझता है, हिचकिचाता है, है ना, इंसल्ट समझता है। राइट राइट, सही। चाहे वो उसके बचपने का दोस्त क्यों ना हो, देखिए मित्रत क्या है ना, बचपने के दोस्त है। वसी हसन साहब जो है वो वहीं के वहीं रह गए, रक्षा चला रहे, नहीं पढ़ पाए। प्राइमरी तक जो है वो साजिद साहब, वसी हसन साहब क्लास फेलो थे। आज साजिद साहब जो है वो आईएएस हो गए हैं, पीसीएस हो गए हैं, आयतुल्ला हो गए हैं। अब वही जो है बेचारा बचपने का प्राइमरी का जो है वो साथी आ रहा है, मिलने में गुरेज कर रहे हैं ना, क्यों? इसलिए कि वो छोटा है। अपने पुराने दोस्तों से मिलना हम तौहीन समझते हैं। रिवायत कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दिन जा रहे थे, कुछ फुकरा फकीर लोग, वो बेचारे कहीं से उनको अपना कुछ दो एक रोटी मिली होगी, वो सब बैठ के जमीन में ऐसे ही खा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। कौन है? रसूलुल्लाह, मौलाए कायनात के बाद इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है ना पूरी दुनिया में, इनसे कोई ज्यादा नजदीक कोई खुदा से नहीं है ना। उन फकीरों ने कहा ये बिस्मिल्लाह एक तरीका है। फुटपाथ पर जो है फकीरों ने पुकार लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतर आए, उन फकीरों के पास बैठे, उनका एक आध लुकमा नोश फरमाया, ये आयत पढ़ी, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। आगे सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि भाई देखो हमने तुम्हारे में खा लिया, अब तुम हमारी दावत कबूल करो और चलो हमारे यहां। इन सारे फकीरों को लेके घर आए। रिवायत में जुमला यह है कि जनाबे रुबाब को पुकारा, भाई रुबाब जो घर में हो ले आओ इन दोस्तों के लिए। ये अखलाक। हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारा अंदाज क्या होता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैह का अंदाज क्या है?